इधर जशपुर में रेत माफियाओं ने नायब तहसीलदार की टीम पर हमला कर दिया। दरअसल फरसा बहार के नायब तहसीलदार सुनील गुप्ता कोल्हिन जारिया से वापस लौट रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि ट्रैक्टर से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। जब नायब तहसीलदार ने वाहन को रुकवाया तो ट्रैक्टर चालक और तहसीलदार की टीम के बीच तीखी बहस हो गई। तहसीलदार वहां से रवाना हो गए। इसके बाद रेत माफिया और ग्रामीणों ने तहसीलदार का पीछा कर गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और मना करने पर जमकर मारपीट की। घटना में तहसीलदार का प्यून घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं घटना के बाद तहसीलदार ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस अभी तक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। समाप्ति के पश्चात हम लोग क्या है, घर आने के वापिस आ रहे थे, तभी बालूरा ट्रैक्टर हाथी बेड़ के पास मिला। अभी उस ट्रैक्टर में नाबालिग लोग थे, साहब गाड़ी रोके, उनको गाड़ी बंद करने के लिए बोले, गाड़ी बंद ही नहीं कर रहा था। तो उसके बाद में फिर वहाँ पे बहस हुआ, फिर वहाँ से हम लोग चले गए, वहाँ से घर आ रहे थे वापिस। तो लोग दो गाड़ी हम लोग को पीछा किए, फिर उसके बाद पीछा करते करते आए तुम्हारा के पास, फिर हम लोग को छेक लिए, डंडा उंडा पकड़ के आए और सीधा गेट खोले और मेरे को निकाले। पटना साहब निकले, लात घुसा से भी मारपीट हुआ और डंडा से भी वार किए हैं। कल दिनांक को मैं कोल्हिन जारिया लिंक कोर्ट के लिए गया हुआ था। वापसी में अवैध रेत तस्करी को लेकर पूछताछ करने पर, उनके साथ बहस होने पर तमीजी हमारे साथ किया गया। उसके बाद हम जब वापस आ रहे थे तो इनके द्वारा हमें दोनों तरफ से रास्ते में घेर कर मेरे प्यून के साथ मारपीट की गई है और लोगों के द्वारा मिल के बहुत ही बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया है। कल ई कोर्ट संचालन कोल्हिन जारिया से वापस आ रहे थे फरसा बहार, तो दो गाड़ियों में इनको दलटोली के पास आरोपी गणों के द्वारा रोका गया, के साथ में गाली गलौज करने लगे और के बाद में उसमें से किसी ने डंडा से उसके सिर में मार के, जिस पर से तहसीलदार साहब ने उन्हें फरसाबाद हॉस्पिटल इलाज हेतु ले गए, फरसाबाद किया गया है। 307-148 भादवी लगाया गया है। रात में थाने तुमला में मामला नंबरी हेतु मिलने पर थाना तुमला में अपराध क्रमांक 55/2020 उपरोक्त धाराओं के तहत आरोपी गणों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है।